गुड इवनिंग प्यारे साथी, आज हम लोग डिस्कस करेंगे 21/3/2021 को एनटीपीसी सीबीटी 1 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसके बारे में। इसका सेंटर राउरकेला में दिया था मेरे प्यारे साथी, देख लीजिए ऊपर में दिया हुआ है राउरकेला में। 10:30 से 12 बजे एग्ज़ाम था इसका, एनटीपीसी सीबीटी 1। हम आपको क्वेश्चन एक एक करके दिखाएंगे, आप पाउज करके देख सकते हैं। हम वीडियो को अभी लंबा नहीं करना चाहते हैं, मेरा मोटिव है कि आपको कैसा क्वेश्चन आया था ये आपको दिखाना है। आप देख लीजिए, कहीं भी कुछ दिक्कत हो आप कमेंट कीजिए, हम आपको और भी वीडियो प्रोवाइड करवाएंगे। देख लीजिए, क्वेश्चन तो हार्ड तो नहीं था, उतना भी हार्ड हम नहीं बोल सकते हैं इसको, इजी टू मॉडरेट था क्वेश्चन। जो जो ये वाला CBT 1 दिए हैं उसको तो पता ही होगा। और मेरे प्यारे साथी, आप यदि ग्रुप डी का भी तैयारी कर रहे हैं तो आप कमेंट कीजिए, हम ग्रुप डी का भी और वीडियो प्रोवाइड करवाएंगे। और ग्रुप डी के बारे में और कुछ भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट कीजिए, हम आपको जानकारी देने का प्रयास करेंगे। देख लीजिए, क्वेश्चन सिंपल ही आए थे, कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं आया था। जो जो इस बार एनटीपीसी का एग्ज़ाम दिया है उस सबको पता होगा कि क्वेश्चन 1 नंबर आया था, क्वेश्चन में कोई भी उतना भी हार्ड नहीं था। जो हिसाब से पोस्ट है इसका एनटीपीसी का, वो हिसाब से क्वेश्चन अच्छा ही आया था। और बोला जाता है कि एनटीपीसी से भी हार्ड क्वेश्चन आएगा मेरे दोस्तों ग्रुप डी में, क्योंकि ग्रुप डी का एक ही पेपर होता है और एनटीपीसी में 2 पेपर होता है। किसी किसी में स्किल टेस्ट मांगा जाता है पोस्ट वाइज, और किसी में आपका टाइपिंग टेस्ट हुआ, इंटरव्यू हुआ, हर पोस्ट के लिए अलग अलग है। इसीलिए इसका क्वेश्चन फर्स्ट पेपर का थोड़ा इजी आया, और अभी दूसरा पेपर में थोड़ा हार्ड आ सकता है, थोड़ा का आ ही जाएगा, हार्ड क्वेश्चन तो आएगा ही इससे। आप यदि बोलिएगा कि कटअप के बारे में बना दीजिए तो हम आपको कटअप के बारे में भी बनाएंगे। हम एक्यूरेट बनाते हैं मेरे साथी, हम कोई ये सब ये नहीं करते हैं। और ग्रुप डी के लिए कोई भी जानकारी चाहिए हो आप कमेंट कीजिए, हम आपको उसका रिप्लाई ज़रूर देंगे। देख लीजिए, क्वेश्चन कोई हार्ड नहीं था, क्वेश्चन इजी था। आप बोलिएगा कि इसको बना के भेजिए तो हम बना के भी हम आपको डाल देंगे। आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा सिर्फ, हम उसका रिप्लाई तुरंत देंगे। देख लीजिए मेरे प्यारे साथी, क्वेश्चन बहुत अच्छे आए थे, बहुत अच्छे क्वेश्चन आए थे, क्वेश्चन में कोई हार्ड नहीं लग रहा है, क्वेश्चन इजी था। सब इजी था, आप बेसिक भी पढ़ के गए होंगे तो आपका एनटीपीसी निकल जाएगा। हम आपको ये भी बता दें, आप यदि आपका 60 नंबर तक सही हो रहा है तो आपका जान जाइए कि आपका एग्ज़ाम निकल गया, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन होके नंबर बढ़ता है। आप यदि गलत कम कम किए हैं तो आप मान के चलिए आपका आप क्वेश्चन अटेम्प्ट किए होंगे 68 और आपका हो गया इधर 64 से ही हुआ, तो भी आपका एग्ज़ाम निकल जाएगा। आप यदि उतना मारे हैं तो आप अब CBT 2 का तैयारी में लग जाइए, क्योंकि इसमें अटेंडेंस 50% ही था, 50% से भी कम बोलेंगे, बहुत कम स्टूडेंट गए थे इसमें, क्योंकि इसमें 2019 का फॉर्म था, बहुत कोई
और सब में निकल गया, बहुत कुछ वैकेंसी स्टेट वाइज आता है उस सब में निकल गया, इसीलिए इसमें अटेंडेंस कम हुआ। और हम बोल दें मेरे प्यारे साथी कि ग्रुप डी में भी ऐसा ही होगा, ग्रुप डी में भी इससे कम जाएगा, कम स्टूडेंट जाएंगे एग्जाम लिखने के लिए, क्योंकि अभी तक बहुत का जॉब लग गया होगा, कोई अपने काम धंधे में लग गए होंगे। आपको यदि ग्रुप डी का सेपरेट एक वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम तुरंत वीडियो बनाएंगे। देख लीजिए, कहीं पर भी कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट कीजिए, हम आपका कमेंट का रिप्लाई तुरंत देंगे। क्वेश्चन बहुत अच्छे आए थे, जो जो इस बार क्वेश्चन में अच्छे से दिए होंगे वो तो बहुत खुश हैं। देख लीजिए, क्वेश्चन तो इजी, एकदम इजी थे, जो बेसिक पढ़ के भी गए होंगे तो उसका एग्जाम निकल जाएगा। आपको ये एक बात और बोल दें मेरे प्यार साथी, आप यदि ग्रुप डी का फॉर्म भरे हैं तो आप सबसे ज़्यादा मैथ और रीजनिंग में ज़्यादा ध्यान दीजिए, ऐसा सब्जेक्ट है मैथ और रीजनिंग जो आपका एग्जाम निकाल सकता है। मैथ और रीजनिंग में ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दीजिए, उसके बाद हम बोलेंगे साइंस में ध्यान दीजिए, आपको एग्जाम निकालना है तो, क्योंकि यही तीन सब्जेक्ट है जो आपको एग्जाम निकाल सकता है। और ये हम नहीं बोलेंगे कि आप इसमें पीएचडी कीजिए, आप बेसिक बेसिक पढ़ के जाइए, उतना भी हार्ड नहीं पढ़ना है, ग्रुप डी है, ग्रुप डी लेवल का पढ़ के जाइए, आपका एग्जाम निकल जाएगा। यही हमको हम आपको बार बार बोल रहे हैं कि आपको यदि एक सेपरेट वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम आपका तुरंत रिप्लाई देंगे। और इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी दबाइएगा, ताकि हम वीडियो और अपलोड करें तो आपके पास फर्स्ट नोटिफिकेशन चल जाए। देख लीजिए मेरे प्यारे साथी, एक नंबर क्वेश्चन, इतना इजी क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन बहुत इजी था, जो जो इस बार एग्जाम दिए होंगे वो तो खुश बहुत होंगे, लेकिन हम फिर एक बार बोल रहे हैं जो जो ग्रुप डी का फॉर्म भरे हैं वो सब अभी से ही एग्जाम का तैयारी में लग जाइए, इस बार कट ऑफ बहुत कम जाएगा, बहुत कम जाने की चांस है इस बार का कट ऑफ, क्योंकि इस बार बहुत कोई अपना अपना काम में लग गए हैं, और सब कोई काम धंधा पकड़ लिया है, किसी का जॉब लग गया, एनटीपीसी में जैसे 50% से भी कम अटेंडेंस है, वैसे ही ग्रुप डी में भी 50% से कम अटेंडेंस रहेगा, ये हम दावा के साथ बोल सकते हैं। देख लीजिए, देख लीजिए मेरे प्यारे साथी, एकदम इजी क्वेश्चन, आपको यदि क्वेश्चन का हल हम बना के भेजे आपको लग रहा है तो आप एक बार कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम आपका कमेंट का रिप्लाई ज़रूर देंगे। यहाँ मेरा वीडियो समाप्त होता है और हम एक बार और बोलते हैं मेरे प्यारे साथी, आप यदि ग्रुप डी का तैयारी कर रहे हैं तो आप हमको कमेंट में लिखिए, बोलिए, तो हम आपका हर चीज़ ग्रुप डी का मटेरियल सब कुछ डाल देंगे। ओके माय फ्रेंड।